हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। हम देख रहे हैं एंड गेम के बारे में, और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि नाइट और पॉन के एंड गेम इंटरेस्टिंग होती है। दोस्तों, ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइट टू प्ले एंड विनिंग द गेम, तो कैसे जीतना है यहाँ पे नाइट और पॉन वाई, और वो भी रूक पॉन है। रूक पॉन के साथ में बहुत ही डिफिकल्टी होता है गेम खेलने में। दोस्तों, यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है नाइट सेक्रीफाइस करना है, नाइट G7 चेक, आफ्टर किंग F7 देन नाइट टेक्स नाइट, और उसके बाद पॉन पुश, और वाइट कैन विन द गेम बिकॉज ऑफ पॉन ऑन 6th रैंक नॉट ऑन 7th रैंक। तो ये पोजीशन मैंने 7th रैंक वाले पॉन विथ नाइट और 6th रैंक पॉन विथ नाइट ऑन रुक पॉन, ये मैंने आपको बताया था कि कैसे विनिंग है और किस पोजीशन में लॉस ड्रॉ है। तो ये पोजीशन क्लियरली विनिंग है, नाइट सेक्रीफाइस आफ्टर नाइट टेक्स नाइट, सिंपली पॉन पुश, देन नाइट गोज एनीवेयर, नाइट कैन नॉट कैच योर पॉन आफ्टर H7, नाइट G5 और H8 क्वीन। तो दोस्तों, ये सिंपल विनिंग है, लेकिन विनिंग हमको सेक्रीफाइस करके दिख जानी चाहिए गेम में। कई बार हम पीस देने से अचकाते हैं, लेकिन पीस देने के बाद अगर पॉन प्रमोट होता है तो सिंपल विन हो रही है, तो पीस देने में कोई एतराज नहीं है। अब देखते हैं नाइट वर्सेस पॉन। अब दोस्तों, ये गेम ड्रॉ हो सकती है वाइट से, यस क्लियरली ड्रॉ है। नाइट E3 चेक फर्स्ट, किंग E2, अगेन नाइट G4, अब ये पॉन को आप पुश करने से रोक रहे हैं। किंग F3, नाइट H3, नाइट H2 चेक आफ्टर किंग G2, अगेन नाइट G4, अगर किंग G3 आता है तो यहां पे नाइट E3 वापस, और अगर पॉन मूव होता है तो नाइट फॉक से आप पॉन वर्सेस नाइट का ट्रेड कर सकते हो। तो ये सिंपली ड्रॉ गेम है, इसमें ब्लैक कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों। चलिए एक और पोजीशन देख रहे थे, ये पोजीशन में वन मूव में क्वीन बन रही है ब्लैक की, लेकिन प्रॉब्लम है नाइट ऑन G3, और ये भी गेम सिंपली ड्रॉ है क्योंकि किंग कैन नॉट गो टू E3 अदरवाइज नाइट F1 चेक और फॉर्क आ रहा है, तो किंग ये दोनों स्क्वायर में नहीं जा सकता जिससे फोर्स से उसका पॉन मर रहा है। तो ये किंग ये बॉर्डर क्रॉस ही नहीं कर पाएगा और ये पॉन का कोई भी प्रमोशन होगा नहीं। ये काफी इंटरेस्टिंग एंड गेम है दोस्तों। यहाँ पे व्हाइट को ड्रॉ करनी है, लेकिन अगर गलत रूट पसंद कर लिया व्हाइट ने तो गेम ड्रॉ नहीं होगी, लॉस होगा। जैसे कि फर्स्ट मूव नाइट B4, ब्लैक खेलेगा H5। अब सेकंड मूव कौन सा होना चाहिए, नाइट D5 लॉसेस द वाइट, क्योंकि नाइट D5 से कैसे लॉस होता है, सिंपल किंग F3, फिर नाइट को उसके इर्द गिर्द नहीं आ सकता, तो किंग F3 के बाद नाइट जैसे कि C7 जाता है वापस टू H4, नाइट E6 और किंग G4। तो यहां पे सिंपल व्हाइट के लिए लॉस है, एक मूव के हिसाब से लॉस है, लेकिन व्हाइट कैन ड्रॉ दिस गेम। परफेक्ट मूव क्या है व्हाइट के लिए दोस्तों, एंड गेम में ये सब चीजें सीखनी जरूरी है। कई लोगों को बोरिंग लगता है कि ये क्या है, सिर्फ नाइट और पॉन में क्या सीखने का, लेकिन यही कैलकुलेशन आपकी गेम अच्छी कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें व्हाइट को नाइट का रूट लेना है, नाइट B4 इज परफेक्ट मूव, लेकिन आफ्टर H5 यहां पे खेलना है नाइट C6। अब नाइट C6 के बाद किंग E4, जैसे कि वो ही मैंने बताया आपको कि वही अगर ब्लैक करना चाहता है कि नाइट किंग के आजू बाजू नहीं आ सके, लेकिन यहां पे ब्लैक नाइट को रोक नहीं पाएगा। उसके बाद नाइट A5 H4, अब नाइट A5 कौन ले जाएगा साइड में, इतने दूर कौन ले जाएगा, कैसे रोक पाएंगे, तो यही सीखने की जरूरत है। नाइट A5 के बाद H4 और यहां पे नाइट C4, उसके बाद किंग F3,
किंग एफ थ्री, समझो कि किंग एफ थ्री के बजाय अगर अगर यहाँ पे एच थ्री कर दिया तो क्या होगा, एच थ्री में नाइट डी टू चेक और फिर पोजीशन वाइट के कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे कि किंग अगर ई थ्री आता है तो फिर नाइट एफ वन चेक और बाद में नाइट कंट्रोल हो जाएगा, जैसे हमने पहले जो पोजीशन देखी थी। तो यही पोजीशन हम फिर से शुरू से देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था नाइट बी फोर, एच सिक्स, उसके बाद नाइट सी सिक्स, किंग ई फोर और उसके बाद नाइट ए फाइव। यहाँ पे ब्लैक ने खेला था एच फोर और नाइट सी फोर। अब यहाँ पे वाइट का रिप्लाई होगा, ब्लैक का रिप्लाई होगा किंग एफ थ्री। किंग एफ थ्री के बजाय अगर उसने जैसे कि एच थ्री किया, तो मैंने आपको बताया कैसे नाइट उधर पहुँच जाता है। तो किंग एफ थ्री के बाद यहाँ रिप्लाई देगा नाइट ई फाइव चेक और नाइट ई फाइव, उसके बाद किंग जी थ्री, जैसे कि नाइट को अंदर आने से रोक रहा है, लेकिन पॉसिबल है यहाँ पे नाइट सी फोर, एच थ्री और यहाँ आप उसे कंट्रोल कर सकते हो नाइट ई थ्री से और सेम पोजीशन आ गई। और जैसे कि उसने एच टू कर दिया तो नाइट फोर, और अगर किंग नाइट के ऊपर अटैक कर रहा है तो सिंपल नाइट एफ वन आफ्टर किंग जे टू नाइट ई थ्री, और अगर इधर आता है तो सिंपल नाइट जी फोर। तो ऐसे वाइट ड्रॉ कर सकता है, लेकिन नाइट का रूट, नाइट का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों मेरी खुद की गेम में ये पोजीशन आई थी, एक गेम में टूर्नामेंट में खेला था, जहाँ पे मैंने नाइट की कमजोरी भी है वो पता करके बेस्ट मूव ढूंढा था, बिशप सेक्रीफाइस ऑन सी फाइव। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक को कंपलसरी नाइट टेक्स बिशप करना पड़ेगा और नाइट टेक्स बिशप के बाद सी सेवन और अनस्टॉपेबल क्वीन हो रही है। और अगर वो नहीं लेता है नाइट टेक्स बिशप, जैसे कि उसने सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं किया ब्लैक ने, तो ब्लैक कुछ कर भी नहीं पाएगा। जैसे कि नाइट के सारे स्क्वायर, डार्क स्क्वायर में जहाँ से नाइट कंट्रोल करने जा रहा है, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं। अगर उसने किंग मूव कर दिया, जैसे कि नाइट इधर हम खेलते हैं लाइक नाइट एफ सिक्स, तो यहाँ पे पॉन पुश और देन अनस्टॉपेबल क्वीन, तो ये सिंपल विनिंग। लेकिन ये विनिंग सोचने के लिए बहुत टाइम लिया था मैंने कि ये कैसे हो सकता है, मेरा बिशप सेक्रीफाइस करने के बाद में सिंपल विन हो रहा हूं। अब दोस्तों आते हैं चैप्टर नंबर थ्री के ऊपर। चैप्टर नंबर थ्री है डिफ्लेक्टिंग द नाइट सेक्रीफाइस, मतलब नाइट एंड गेम के बारे में। नाइट मैंने पहला चैप्टर जो आपको बताया था किंग और पॉन एंडिंग, दूसरा चैप्टर हमने देखा नाइट विथ पॉन एंडिंग, नाइट विथ पॉन। अब नाइट एंडिंग टू नाइट्स वर्सेस पॉन और कुछ पोजिशन ऐसे होती है। यहाँ पे नाइट सेक्रीफाइस मतलब नाइट डी फोर चेक, नाइट को डिफ्लेक्ट करने के लिए, जैसे इस पॉन को प्रमोट करने से रोकने के लिए, जैसे हम लाइक एच फोर करते हैं और वो नाइट फोर देखे हमारा पॉन मार देता है, तो यहाँ से हम नाइट सेक्रीफाइस कर रहे हैं नाइट डी फोर चेक। अब नाइट टेक्स नाइट तो फोर्स हो गया जैसे, और उसके बाद किंग एफ सिक्स और वही स्ट्रेटेजी कि नाइट को इंटरनल आने से रोकने की, और ये गेम सिंपल वाइट कैन विन। दोस्तों ये पोजीशन आप देख सकते हो, और मटेरियल इक्वल है दोनों के पास, लेकिन सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वाइट कैन विन द गेम, पर कैसे? अब आप सोचोगे कि इतनी मिडल गेम है और दोनों के पास इक्वल मटेरियल है, वाइट जो पॉन प्रमोशन हो रहा है उसे नाइट ने कंट्रोल किया है सिंपल, तो इसमें से विनिंग कैसे निकाले? और ऑलरेडी ब्लैक का प्रेशर है इस साइड, हमारे किंग साइड। तो यहाँ पे बहुत ही सोचने के बाद नाइट टेक सी फाइव, ये मूव मिल रही है आफ्टर बी टेक सी फाइव, और यहाँ से अब शुरू होता है पासपोन क्रिएट करने का थ्रेट। बी फोर सेक्रीफाइस वन मोर पोन,
यहाँ से ब्रेक थ्रू बोलते हैं इसे दोस्तों। कोई भी पॉन को सैक्रिफाइस करके जब हम लाइन ओपन करते हैं अपने दूसरे पॉन के लिए तो उसे ब्रेक थ्रू कहते हैं। तो यहाँ पे ए टेक्स बी फोर हम पहले देखते हैं, ए टेक्स बी फोर। अब पॉसिबिलिटी और भी है दोस्तों, जैसे कि और सी टेक्स बी फोर भी हो सकता है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। ए टेक्स बी फोर, यहाँ पे एफ आई आएगा। अब ये पॉन आउटराइट पास पॉन हो रहा है, ब्लैक ई फोर खेलेगा सपोज, ब्लैक भी चाहेगा ए सिक्स, किंग एफ टू, ए सेवन, ई थ्री और ए एट इज इक्वल टू क्वीन। समझो कि ब्लैक ने एक ही चांस में अब क्वीन बनाने का ट्राई किया ई टू, और यहां पे क्वीन एफ एट, ई वन क्वीन, ब्लैक की भी क्वीन प्रमोट हो रही है। एंड गेम बहुत ही जबरदस्त है यहाँ। उसके बाद क्या खेलना है, क्वीन टेक्स एफ थ्री चेक, किंग एफ सिक्स, सॉरी किंग जी थ्री और क्वीन जी फाइव चेक, किंग एस थ्री, क्वीन डी टू, फिर से ये पॉन प्रमोट हो रहा है, क्वीन ए वन और डी सेवन, और आफ्टर वन मूव व्हाइट विल विन द गेम। दोस्तों ये सारी पोजीशन मैंने तो खुद स्टडी की है और बहुत सारे बुक्स पढ़ के तैयार किए हैं, और आपको ये तैयार मटेरियल मिल रहा है, इसीलिए आपको ये चैनल जरूर देखने चाहिए। हर एक वीडियो देखने से आपको बहुत सारा फायदा होगा। देखिए नाइट टेक सी फाइव, बी टेक सी फाइव और उसके बाद बी फोर। अब हमने पहले देखा था पॉन ए टेक्स बी फोर, अब देखते हैं सी टेक्स बी फोर। सी टेक्स बी फोर में सिंपल सी फाइव होगा और यहाँ पे ब्लैक बी थ्री चेक, किंग टेक्स बी थ्री और उसके बाद किंग टेक्स बी थ्री भी नहीं, कि नाइट ई फोर, और यहाँ पे किंग सिंपल सी फोर ला के आप गेम जीत सकते हैं। दो कनेक्टेड पॉन को रोकना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है आई थिंक ये पोजीशन में। अब दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में मैं आपको नया चैप्टर, चैप्टर नंबर फोर है मेरा बिशप वर्सेस पॉन, बिशप के बारे में आपको जानना है। नाइट के बारे में आप जान चुके हैं, पॉन और किंग के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बिशप वर्सेस पॉन और बिशप के साथ में पॉन सारा टॉपिक बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।